नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की बड़ी खबर पर। हरदोई जिले के बघौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भीठा दान में कई सालों से झोपड़ी व कच्चे मकान बनाकर रह रहे गरीब परिवार के लोगों के शासन के आदेश पर चला बुलडोजर, ढहाई गई सबकी झोपड़ियां। चिल्लाते बिलखते रहे लोग, वहीं ग्रामीणों ने बताया लेखपाल राजेश गुप्ता ने हम लोगों से पहले मेड़ बनवाई, फिर हम लोगों से 5,000 रुपया लिया और कहा मकान बना लो, हम पट्टा कर देंगे। वहीं मौके पर मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर मकान व झोपड़ियां गिरवा दी। मजिस्ट्रेट के अनुसार यह जंगल की जमीन है। इस है हमारे संवाददाता मनीष वर्मा के साथ स्वदेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? बेटेलाल। आपका क्या नाम है? सोनल। आपके गांव का क्या नाम है? आपकी ब्लॉक क्या है? जिला क्या है? हरदोई। आप यहां से कब से रह रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए आपको। अब आप यहां किसकी वजह से रह रहे थे? गरीब आदमी, ग्राम सभा में हम रह रहे थे। ग्राम सभा में रह रहे थे। यहां पे आपके मकान किस लोगों ने बनवाए? मकान किसी ने नहीं, हमारे पास मतलब जगह नहीं थी तो हम यहाँ रह रहे थे, गांव में थी नहीं हमारे पास। अच्छा, और इस पे कुछ बस और साहब कुछ सफाई और कुछ हमको देने? इसमें सफाई क्या देना है, सब गिरा के चले गए हैं। आप बताइए कौन गया है गिरा के? अब डीएम साहब गिरा के चले गए। डीएम साहब? अच्छा, आप लोग दिवाली यहाँ उठाइए, हम लोगों को 5,000 रुपये हम लोगों को दिवाली। आप अरे 5,000 रुपये आपसे किसने लिए? हमसे लेख आनंद, महेश और सुनील ने मिलकर लेखपाल को हमारे यहाँ लेकर आए, उन्होंने दिलवाया लेखपाल को राजेश गुप्ता को। लेखपाल, आप लोग यहाँ कब से, कितने दिन आपको हो गया यहाँ से? लगभग साल हमको रहते हुए हो गया 2 साल। हम झोपड़पट्टी से 3 साल से झोपड़पट्टी में रह रहे थे, और उसके बाद में ये जब इन्होंने पट्टा करने को कहा इन्होंने लेखपाल सर ने, तब हमने कहे कि आप लोग दीवार बनाइए और फिर हम पट्टा करवा देंगे, और फिर भी उन्होंने हमसे ही पैसा लेकर और हम लोगों को ये दिया। ये बात किसने कही आपसे? ये लेखपाल ने कहा कि आप लोग यहाँ दीवार बनाइए तब पट्टा होगा, झोपड़ पट्टी का पट्टा नहीं होगा। अच्छा, ये लेखपाल ने बात कही, तो इस पे क्या होना चाहिए? इस पे जगह देनी, हम लोग निर्भूम है, ना खेत है हम लोगों के पास, ना घर है रहने के लिए, हम लोग जिम्मेदारी से गरीब है, कुछ हम लोगों के पास है नहीं रहने के लिए, हम लोगों को कहीं जगह चाहिए। अच्छा, तो आपका मकान क्या गिर गया क्या? हाँ, मेरा मकान सब गिर गया। आप लोग रोड के किनारे आ गए हैं? हाँ बिल्कुल, रोड पे आ गए हम लोग हैं। अच्छा, जब तक सर्दी में हम जाड़े में ही रोड पे ही पड़े रहेंगे, जब तक हमें हमारी कुछ हम लोगों का, हम लोग रोड पे ही रहेंगे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, सब ये इधर उधर बिलख रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत खून पसीना बहा करके इन्होंने बनाया था, और वो भी लेखपाल के कहे से उन्होंने पैसे भी लिए। पैसे कितने लिए थे आपसे? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये लिए। हाँ, और फिर भी उन्होंने हमको ये आखिरी में यह सिला दिया, इन्होंने कोई इनको अगर दिक्कत थी तो पहले इन्होंने क्यों नहीं रोका, क्यों हमसे पैसे लिए? इनको जब इनको जंगल विभाग दिखाता था तो इन्होंने पहले रोका क्यों नहीं हम लोगों को, और हम लोगों से दीवार उठवाई और पैसा भी लिया हम लोगों से, और फिर हम ही लोगों को कर दिया उल्टा से। अच्छा।